लाइफ इज वर्थलेस विदाउट प्रॉब्लम. आपकी अगर लाइफ है वो बेकार है अगर उसमें समस्याएं नहीं है. वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट. तो मैं बात कर रहा था उन बच्चों की, तीन बच्चे जो कि एक बिजनेसमैन के घर में, एक जॉब होल्डर के घर में और एक सिंपल लेबर के घर में. इन तीनों बच्चों का एटीट्यूड जो है बहुत अलग आपको दिखाई देगा. बिजनेसमैन का जो बच्चा है इसको इसके पापा एक बहुत अच्छी बात सिखाएंगे, बेटा मेरा बिजनेस जो है 10 करोड़ का है तो उसे 100 करोड़ का बना देना. वो उसको बचपन से इस बात की ट्रेनिंग देंगे, वो उसको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे जो है आप अपने इस बिजनेस को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ऑन द अदर एंड जो जॉब करने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो अपने बेटे को सिखाएगा, बेटा मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने इतने पैसे बचाए हैं, ठीक है, तू भी तैयारी कर, ये एंट्रेंस की तैयारी कर, जॉब में सेटल हो जा, सबसे बढ़िया काम जॉब है. अब अगर उसके दिमाग में ये भी आ रहा है ना स्टार्टअप, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ मेरा नया कुछ करना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, बेटा ये अपने लिए नहीं होता, उसके लिए फ़ंड होना, उसके लिए पैसा होना, वो हमारे पास नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं. बिजनेसमैन लोग वो होते हैं जिनके पास पैसा होता है, हम वो नहीं हैं, उसको ये कहा जाएगा. और शायद इसमें फिर उसके पास दो च्वाइसेस होंगी, एक कि वो एक्सेप्ट कर ले अपनी रियलिटी को, ऑन द अदर हैंड वो कहे नहीं आई कांट एक्सेप्ट दिस, ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कुछ और कर सकता हूँ. तो लाइफ में च्वाइसेस सभी को मिलती हैं. तो यहाँ पर ये जो लड़का है जिसको ये कहा जा रहा है पापा के द्वारा कि बेटा मैंने जॉब किया है तू भी कर. और थर्ड है जो मैंने आपको बताया लेबर क्लास, ये व्यक्ति सिर्फ यही चाहेगा कि बेटा मैं लेबर का काम कर रहा हूँ तू मत करना. लेकिन ये कुछ अलग ही सिखा रहा है, ये सिखा रहा है बेटा सिर्फ तुझे पढ़ने इसलिए मैं भी नहीं भेज इसलिए भेज रहा हूँ कि ये जो लेबर का काम मैं कर रहा हूँ रात दिन खेती बाड़ी में कर रहा हूँ तू ये मत करना, तू जॉब लग जा, तू नौकरी करना. समझिएगा बहुत इसमें एक ऐसा मीनिंग छुपा हुआ शायद जो आपको शायद एक बिटर रियलिटी लगी. आज आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, एक समय था जब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, आज उनके पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो अवेयर हो चुके हैं कि अगर हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है. और वो एक उम्मीद के साथ एक विश्वास के साथ जो है बच्चों को स्कूल्स में कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा रहा है. सो नाउ वी नीड टू थिंक कि क्या हम उनमें से आ रहे हैं जिसमें पेरेंट्स हमसे बार बार ये बोल रहे हैं कि बेटा हम जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम जो है लेबर का काम कर रहे हैं, तू मत करना. शायद ये अगर आपको सुनने में आ रहा है, आपको अगर ये बोला जा रहा है तो आपको ये सोचने की जरूरत है. यू नीड टू थिंक अबाउट इट. आज सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. मैंने आपसे कहा ना एक समय ऐसा था कि जब स्कूलिंग कंप्लीट करते थे कॉलेज कंप्लीट करते थे तो जॉब लग जाया करता था, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती थी. आज आप कोई सा भी कोर्सेज कर लीजिए दुनिया का, डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है. उसमें सबसे मेन चीज़ देखी जाती है आपकी स्किल्स, आपके पास कितनी स्किल्स है वो मायने रखती है. मैं तीनों बच्चों के बारे में बताने के बाद आपको स्किल्स पर लेकर चलूँगा. देखिए इसमें जब तीनों बच्चों को के बारे में मैंने आपको बताया तो तीनों बच्चों को उनके पेरेंट्स के द्वारा एक बुक मैंने पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड. उस बुक में स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम जो हैं वही हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा सिखाया जाता है. मीन्स वी आर द प्रोडक्शन ऑफ आवर टीचर्स आवर पेरेंट्स टीचिंग. हम जो है रिजल्ट किसका है, हमारे पेरेंट्स की टीचिंग का. आज अगर एक बच्चे से ये कहें, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली गर्ल्स का ही देता हूँ, गर्ल्स भी हैं बेटी हैं. बच्चों आप में से जैसे कोई लड़की है, दो लड़कियों को हम एग्जांपल लेते हैं. एक लड़की जो है अपने कॉलेज जा रही है, रास्ते में एक मोड़ आता है, टर्न आता है, और वो वहाँ पर कोई रहता नहीं है. उस टर्न में दो तीन लड़के डेली खड़े रहते हैं. जो लड़की निकल कर जाती है तो लड़की के ऊपर कमेंट करते हैं. वो लड़की घर आकर ये बात अपनी मम्मी को बताती है
मम्मी वो रास्ते से मैं निकल के जाती हूँ तो लड़के जो है कमेंट करते हैं, ऐसा करते हैं। मम्मी बोलती बेटा एक काम करो, उस रास्ते से आप मत जाओ, रास्ता चेंज कर दो। एक और लड़की है वो भी उसी रास्ते से निकल कर जाती कॉलेज, लड़के उस पर भी कमेंट कर रहे हैं। और वो लड़की अपने घर आती, वो ये बात अपने पापा को मम्मी को बताती, तो मम्मी पापा को जब ये बात बताती है तो पापा बोलते हैं एक काम करना, कल जब ऐसा कुछ करे वो, ठीक है ना, तो वह मिस कॉल मार देना, मिस कॉल समझ गए ना, वहाँ हम लोग तुरंत आ जाएंगे और अच्छी धुलाई करेंगे, और आसपास के जो दूसरे लोग दिखे ना उनको बुला लेना, ऐसी धुलाई करेंगे वो याद रखें। और अगले दिन यही होता है। अब यहाँ पर ये दोनों बच्चियों के साथ में आप देखिए इनकी टेंडेंसी कितनी अलग है। एक बच्ची जो है उसको ये सिखा दिया पेरेंट्स ने कि बेटा ऐसी सिचुएशन से क्या करो, ज़्यादा अच्छा है दूर रहो, और दूसरी ओर ऐसी सिचुएशन आ रही है कहाँ से दूर रहो, बिल्कुल सामना करो डट कर। तो मैंने कहा ना हम लोग वही हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है, आप आगे की लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के हैबिट में एक चीज़ आ जाती है कि हम लोग जो है कुछ भी ऐसा नहीं करना पसंद करते जो कि बियॉन्ड लिमिट्स जा रहा है, और इसी वजह से हम लोग जो है पिछड़ जाते हैं। आई होप कि इस सेशन में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आज था, इसमें मैंने तीन चीज़ों के बारे में जो आज आपको डिस्कस किया, होप वो आपको समझ में आया होगा। और इन द एंड बस एक ही बात आप सभी बच्चों से कहूँगा मैं कि भैया आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मतलब उस चीज़ से नहीं समझें। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास आपकी थिंकिंग का विकास है, आपकी सोच का विकास है। आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपकी मेंटालिटी डेवलप होगी, सो आप डेफिनेटली कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। आज के सेशन में जिसमें मैंने अनिकेत जी सिन्हा के बारे में आपको बताया, जो कि सिर्फ अपनी मेंटालिटी को चेंज करके ही लाइफ में कुछ ऐसा कर पाए इनोवेटिव जो उनके लिए बहुत काम का, होप ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रही हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।